हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं बिना उसे वर्ड फाइल में कन्वर्ट किए हुए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जो आप सामने देख सकते हैं। मैंने इसको एडोब रीडर में ओपन कर रखा है। तो इसमें से मैं कुछ चीजें रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे कि ये लोगो हुआ, ये टाइटल हुआ, या फिर ये नीचे ये इमेज है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करना होगा। ये काम हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वाटरमार्क रह जाता है, तो हम नहीं चाहते कि वाटरमार्क रहे, तो इसलिए हम इसको ऑनलाइन करेंगे। और इस वेबसाइट का नाम है सजदा। ओके, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ एडिटर, तो आपको यहाँ पर जाना है पीडीएफ एडिट करने के लिए। और उसके बाद अपने पीडीएफ फाइल को आपको इसमें अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो अपलोड करते टाइम ये नोटिफिकेशन देगा। तो एक बार मैं इसको अपलोड करता हूँ। ओके ओके, यह हो गया अपलोड। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें कुछ वेरिएशन लाने का देखता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस लाइन को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, द सिस्टम इन इट्स मोस्ट डेंस स्मॉलेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्रैकेट में जो स्मॉलेस्ट लिखा है ये यहाँ पर नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पर है। तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए, इजिली मैंने इसको एडिट कर दिया है और वो हट गया वहाँ से। ठीक है, ऐसे आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये लोगो यहाँ पर नहीं रहे, तो उसके लिए मुझे ये वाइट आउट सिलेक्शन को बनाना होगा। यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बना लूँगा इसका। तो मुझे जितना एरिया खाली करना है उतने एरिया में मैं ये सिलेक्शन बना दूंगा। ओके, तो ये भी यहाँ पर हट गया। और मैं यहाँ पर अपना खुद का इमेज कोई लगा सकता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर इमेज पर जाना है और यहाँ पर न्यू इमेज सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ कोई इमेज है कि नहीं मेरे पास, अगर हो तो मैं एक बार डाल के आपको बताता हूँ। चलिए, एक बार के लिए मैं ये लगा देता हूँ। ओके ओके, डन। तो मैंने अपनी इमेज यहाँ पे लगा दी है। और अब इसके बाद अब यही इस टाइटल को भी हटाने का सेम तरीका है, तो मैं इसको फिर से हटाने वाला नहीं हूँ। और अब इस इमेज को भी हटाना है, तो सेम मैं वही करूँगा जो मैंने पहले किया था। सबसे पहले मैं इसको वाइट आउट का यूज़ करूँगा और एक सिलेक्शन बना दूंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके वापस नीचे आऊँगा और ये सिलेक्शन बन गया है और ये हट गया यहाँ से। अब हम यहाँ पे फिर से अपनी कोई इमेज लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लगाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये आप इसको पूरा पूरी तरीके से हटा सकते हैं चाहे तो। ये मैं गलती से, ओके इस तरीके से आप कितना, जैसे अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अभी इसने इतनी एडिटिंग कर ली है। और एडिटिंग करने के बाद जब सब कुछ आपका कंफर्म हो जाए कि आपको सब कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। और ध्यान रखिए, आप 1 घंटे में सिर्फ 3 PDF एडिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एडिट नहीं कर सकते। तो मैं इसको अप्लाई चेंजेस कर लूँगा। ओके, अब ये हो गया है और अब मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। ये देखिए, मैंने अपना PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा PDF फाइनली रेडी है। हमने वो इमेज रिमूव कर दिया, यहाँ पर अपना इमेज लगा दिया है और हमने उस PDF को इजीली डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कोई वाटरमार्क नहीं आ रहा है, तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो उस वाटरमार्क को हटाने के लिए हमें फिर से कुछ एडिट करना पड़ता है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें दो लिमिटेशन है कि आप घंटे में सिर्फ 3 PDF एडिट कर सकते हो और 200 पेजेस के PDF को ही आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।